हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सलेंट स्टडी सेंटर एजुकेशनल चैनल। तो स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख के आपको समझ में आ रहा होगा, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये आपका सी वर्क है और इसी पैटर्न पर आपको एच वर्क बनाकर लाना है। ओके, और जो आज का जो टॉपिक है बेटा, टॉपिक का नाम है अल्टरनेट नंबर्स। क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अल्टरनेट नंबर्स? अल्टरनेट का मतलब होता है एक के बाद दूसरा, एक ही जैसा। जैसे देखो, यहां पर एक के बाद क्या लिया गया? थ्री लिया गया। अब हमें अल्टरनेट में देखना यह होगा कि वन से थ्री में किस चीज की दूरी है, तो टू की दूरी है, होनी चाहिए था वन टू थ्री, लेकिन वन के बाद क्या लिया गया? सीधा देखो, ये एरो है, सीधा क्या ले लिया गया? थ्री को। समझ में आ रहा है ना बात? थ्री के बाद होनी चाहिए था फोर, लेकिन लिया गया फाइव को। तो ये हो गया अल्टरनेट। अच्छा, कितने का अल्टरनेट है? तो वन का अल्टरनेट है। देखिए, फिर फाइव के बाद सेवन, सेवन के बाद नाइन, फिर से नाइन के बाद टेन नहीं है, तो यहाँ पे इलेवन आएगा, तो इलेवन हो जाएगा। इसी तरह से आगे चलता हुआ चला जाएगा। बात समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब कि अगर मैं ये पूछूं कि बेटा ये अल्टरनेट कितने का बन रहा है, ये वन का अल्टरनेट बन रहा है। समझ गया अल्टरनेट का मतलब? उसी तरह से यहाँ देखो, टू के बाद फोर, फोर के बाद सिक्स, सिक्स के बाद सेवन और एट के बाद फिर बोलना, सिक्स के बाद एट और एट के बाद टेन। यहाँ पर कितने का अल्टरनेट बन रहा है? वन का। यहाँ भी वन का बन रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर जगह वन का ही बने, ये आपको वन से ज़्यादा का भी हो सकत बा। समझत बा कि ना समझत बा? समझ रहे हो? जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर ये जो आपको दिया गया है वर्कशीट, यही आपको बना के लाना है किस रूप में? बोलिए बेटा, एच वर्क के रूप में। कैसे बनाओगे? एच वर्क के रूप में। जैसे क्वेश्चन है कि राइट द अल्टरनेट नंबर्स इन द ब्लैंक्स। राइट द अल्टरनेट नंबर्स, राइट का मतलब लिखना, अल्टरनेट का मतलब समझ गए, और इन दी ब्लैंक्स यानी खाली जगहों में। ब्लैंक्स का मतलब खाली जगहों में। तो खाली जगह में क्या करना है? कबड्डी खेलनी है। हाँ, क्या लिखना है? अल्टरनेट नंबर, अल्टरनेट नंबर को लिखना है। तो देखिए जरा, वन, वन के बाद होनी चाहिए था कितना? टू, लेकिन है थ्री। थ्री के बाद होनी चाहिए था फोर, लेकिन है फाइव। तो यहां पर कितना हो जाएगा बता लो जरा, बताओ। हाँ, सेवन, क्योंकि फाइव का होता है सिक्स, लेकिन एक अल्टरनेट है, तो हो जाएगा हमारा सेवन। सेवन का अल्टरनेट कितना हो जाएगा? नाइन। समझ में आ रही है ना बात? उसी तरह से नाइन का, इलेवन का, थर्टीन का, फिफ्टीन ना होगा रे, थर्टीन, थर्टीन का एक गैप करोगे तो फिफ्टीन आ जाएगा ना। इसका मतलब कि हमारा, हम जो अपन लोग जो पढ़ रहे हैं, हम सब लोग ये सही पढ़ रहे हैं, क्योंकि फिफ्टीन यहाँ आ गया। समझ गया ना? इसी तरह से यहाँ देखो, 17 के बाद कितना होनी चाहिए था, लेकिन है 19। तो कितना का अल्टरनेट हुआ? कितना का हुआ? एक का। उसी तरह से यहाँ भी, यहाँ देखो, 35, 36, 37, यहाँ भी कितने का हुआ? यहाँ पे देखो, 2 के बाद होनी चाहिए 3, लेकिन है 4। कितने का हुआ? 1 का। यहाँ देखो, 18 के बाद 18, 19, 20, कितने का हुआ? वन, वन अल्टरनेट नंबर। यहाँ पे 36, 37, 38, कितने का हुआ? वन का। वेरी गुड। यहाँ पे 5, 6, 7, यहाँ पे कितने का हुआ? वन का। कैसे हुआ? वन का ही हुआ कि दो, कि टू का हुआ? वन का ही हुआ, है ना? घबराइएगा नहीं, कॉन्फिडेंस रखना है, क्योंकि फाइव के बाद होता है, बोलो बोलो, अरे बोल ले, सिक्स होता है, लेकिन यहाँ पे है सेवन। तो कितने का गैप हुआ? वन का गैप हुआ, अल्टरनेट नंबर इज अ वन। बात समझ पा रहे हो? उसी तरह से यहाँ देखो, टेन के बाद होनी चाहिए था इलेवन, लेकिन है ट्वेल्व। तो कितने का अल्टरनेट हुआ? वन का हुआ। वेरी गुड। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वन का ही रहेगा, हो सकता है कि ये आपको, जैसे यहाँ पे टेन है ना, तो यहाँ पे आपको दे दे ट्वेल्व ना दे के आपको दे दे थर्टीन। क्या दे दे? 13, यानी कि 3 की जगह पे 13 सिर्फ हो जाएगा। तो कितने का आएगा बताओ अल्टरनेट नंबर? 2 का आएगा। तब 2 के हिसाब से 13 के बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा?
थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन आ जाएगा, टू गैप देना है ना, तो थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन, फिफ्टीन आएगा या सिक्सटीन आएगा, अरे फिफ्टीन कैसे आएगा यार, थर्टीन थर्टीन के बाद फोर्टीन, तो एक हुआ फोर्टीन के बाद थर्टीन, थर्टीन के बाद फोर्टीन, तो फोर्टीन तो होगा नहीं, लिखेंगे फिफ्टीन, फिफ्टीन में एक अल्टरनेट हुआ, नहीं समझ पा रहे हो, देखो यहाँ ये अभी आपको बनाना ऐसा नहीं है, लेकिन हो सकता है आगे चल के आपको, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने क्या कहा कि थर्टीन होगा और टू अल्टरनेट, जैसे यहाँ पर दिया रहे आपको एक ब्लैंक, ठीक है, थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन और दिया रहे यहाँ पर सिक्सटीन, क्या दिया रहेगा सिक्सटीन। अब ये बताइए हमको थर्टीन और फिफ्टीन सिक्सटीन में कितना सीधा है यहाँ पर आपको सिक्सटीन है, तो कितना का अल्टरनेट हुआ, दुर्गति कहेंगे, वन थ्री थर्टीन, वन फोर फोर्टीन, वन फाइव फिफ्टीन, अंगुल पे गिनो ना, वन थ्री थर्टीन है, वन फोर फोर्टीन, वन फाइव फिफ्टीन, तो कितना का गैप हुआ, टू का हुआ ना, टू का ना गैप हुआ, तो इसका मतलब कि यहाँ पे टू का अल्टरनेट है, तो बताओ कि सिक्सटीन के बाद कितना हो जाएगा, टू के अल्टरनेट के हिसाब से नाइनटीन होगा, वेरी गुड, फिर तुम गड़बड़ा रहे हो बच्चे, वो जोया सही बोल रही है, नाइनटीन होगा ना, अरे सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन, ये दो हो गया, तीसरा नंबर पे कौन आया नाइनटीन, तो दो को छोड़ के जो तीसरा, यानी टू अल्टरनेट का मतलब कि दो को छोड़ के जो तीसरा नंबर आएगा, समझ पा रहे हो तुम, बोल ही नहीं रहे आप, कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, हाँ हाँ भी बोल रही है, न भी बोल रही है, समझ पा रहे हो, क्या समझ पा रहे हो बताओ, वो छोड़ो, चलो जो बनाना है कम से कम उस पर फोकस करो, जो बनाना है हमें वो वाला बताओ, इसको आप कितना परसेंट समझे हो, अभी जो मैंने ये समझाया है ये समझ में आया है, ये समझ में आया है, क्या समझ में आया बताओ, यहाँ पर कितना होगा नाइन के बाद कितना होगा यहाँ पर, तुम नहीं वो बड़ी जो है आप बताओ, नाइन के बाद कितना होगा नाइन टेन एलेवन, वेरी गुड, समझ गए ना आप, बस यही तो करना है, तो इतना टेंशन में क्यों है, अरे पढ़ाई तो आसान चीज़ है, एंजॉय करके पढ़ो, हाँ वेरी गुड एक्सीलेंसी, ओके आज के लिए इतना ही, घर से इसको बना लेना और फिर कल हम लोग इसको 100% सॉल्व करेंगे, ओके बाय बाय।